नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आदि पुरुष फिल्म का खतरा टलने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार फिल्म का विरोध हो रहा है और लोग खुलकर फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में। फिल्म को ओम राउत निर्देशित कर रहे हैं। सभी वाकिफ हैं कि फिल्म को लेकर विरोध क्यों चल रहा है। जैसे ही फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया, उसी के बाद से फिल्म के किरदारों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पहले ही सैफ अली खान के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसके बाद उनका बहिष्कार हुआ था और उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा था। लेकिन टीजर देखने के बाद लोग सैफ का किरदार देखकर और उनकी वेशभूषा देखकर काफ़ी नाराज भी हैं और फिल्म के दृश्यों और किरदारों में परिवर्तन करने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया का बयान भी आ गया है। यहाँ पर हम इसी सिलसिले में आपको जानकारी देने आए हैं। दीपिका चिखलिया टीवी जगत का वो चेहरा है जिसने सीरियल में सबसे पहले माँ सीता का किरदार निभाया। वो दीपिका जो आज भी माँ सीता के नाम से याद की जाती है, कई बार लोग उन्हें झुककर प्रणाम करने लगते हैं कि लोगों का विश्वास है कि ये ही माँ सीता हैं। दीपिका चिखलिया टीवी जगत की जानी मानी अदाकारा हैं। आदि पुरुष फिल्म की ट्रोलिंग के बीच अब दीपिका चिखलिया का बयान भी फिल्म आदि पुरुष को लेकर आ गया है और उन्होंने कहा है, मैंने टीजर को देखा है कि लोग कह रहे हैं कि हनुमान के किरदार को चमड़े के वस्त्र पहनाए गए। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अनुचित है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने सच्चाई के साथ ग्रंथों को लिखा है, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो हमारी धरोहर है, उसे बचा कर रखना चाहिए। इसके अलावा दीपिका का मानना है कि किसी भी फिल्म का किरदार दर्शकों से जुड़ाव महसूस होना चाहिए। उनका मानना है अगर किरदार श्रीलंका से है तो वो मुगल की तरह लगना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इतने कम देर के टीजर से उतना ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन टीजर कुछ अलग लग रहा है। दीपिका का मानना है कि VFX या टेक्निकल सपोर्ट का इस्तेमाल तभी तक होना चाहिए जब तक वह लोगों की भावनाओं को आहता करे। दीपिका का बयान मौजूदा समय में बेहद ज़रूरी है, ऐसे समय में जब आदि पुरुष फिल्म का काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किरदारों को बदलने और उनमें परिवर्तन करने की बात चल रही है। ऐसे में दीपिका का ये बयान आदि पुरुष टीम पर और दबाव बनाने का काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।